तस्वीरों में दिख रही ये भीड़ उस गुस्से का प्रतीक है जो उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों के ऊपर बरसी। उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों पर जयपुर में NIA कोर्ट परिसर के बाहर गुस्साई भीड़ ने हमला कर दिया। पुलिस की सुरक्षा के दौरान गुस्साई भीड़ ने आरोपियों की पिटाई कर दी। NIA कोर्ट ने चारों आरोपियों को 10 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। दरअसल पेशी के दौरान काफी संख्या में कोर्ट कक्ष के बाहर अधिवक्ता मौजूद रहे। ऐसे में कोर्ट कक्ष से बाहर आते ही आक्रोशित वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने ही आरोपियों को पीटना शुरू कर दिया। भारी पुलिस बल होने के बावजूद वकीलों ने आरोपियों के साथ मारपीट करके उनके कपड़े फाड़ दिए, उन पर बोतलें फेंकी। पुलिस ने किसी तरह गुस्साए लोगों के बीच से हत्यारों को बाहर निकाला। आपको बता दें, उदयपुर में 28 जून को टेलर कन्हैया लाल की दुकान में घुसकर दो हत्यारों ने निर्मम हत्या कर दी थी, जिसके बाद राजस्थान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रियाज और गौस मोहम्मद को पकड़ा। ठीक कुछ दिनों के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और जब उन्हें पहली बार कोर्ट में पेश किया गया तो वो लंगड़ाते नजर आए, जिनकी तस्वीर भी वायरल हुई थी। 2 तारीख को भी वो NIA कोर्ट में पेश किए गए। पेशी के बाद जैसे ही पुलिस इन आरोपियों को लेकर बाहर निकली तो लोगों ने जूते, चप्पल और डंडों से बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। पिटाई के बाद पुलिस ने जैसे तैसे आरोपियों को आक्रोशित भीड़ से बचाया और NIA की कस्टडी में भेजा। कन्हैयालाल हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपियों मोहम्मद रियाज अख्तरी, गौस मोहम्मद और उनके साथी आसिफ और मोहसिन, चारों आरोपियों को NIA और ATS के दल ने अदालत में पेश किया था। सुरक्षा कारणों से अदालत और शहर के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किए गए थे। आपको बता दें, रियाज और गौस मोहम्मद ने दर्जी कन्हैया लाल की गला काटकर हत्या कर दी थी। आरोपियों ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो इस्लाम के अपमान का बदला लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हमलावरों ने नूपुर शर्मा का भी जिक्र किया, जिन्हें विवादित बयान के बाद BJP से निलंबित किया गया था। फिलहाल आरोपियों को कोर्ट ने 10 दिन के रिमांड पर NIA को भेज दिया है। अदालत में पेश करने से पहले आरोपियों को लेकर पुलिस दल ATS के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी SOG के कार्यालय में पहुंचा था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।